बैक टू थर्टी एंड फैमिली व्लॉग्स गाइस, कैसे हैं आप सब लोग बताइएगा ज़रूर। और अभी आज जो है बहुत लेट हो चुके हैं हम, एक्चुअली रात लेट सोए ना, तो फिर खाना वगैरह भी उठे भी देर से, फिर अब खाने वगैरह में लेट हो गया, तो अभी जो है एक बज रहा है दोपहर का। चाय वगैरह तो पी ली थी, अभी बस आज मैं बनाने जा रही हूँ। मैंने कस के रखी है मूली, इसमें मैंने नमक डाला है ताकि ये पानी छोड़ दे जितना भी, फिर से निचोड़ लूँगी और आज बनाऊँगी मूली के पराठे। इधर चाय बना दी मैंने, सो अभी वो पानी छोड़ देगी, अभी तो थोड़ा सा और चाय देती हूँ, सिर्फ 5 मिनट और इनसे मिलिए आप। ये यहाँ पे बैठे हैं और कमरे में है, मम्मी बैठक में है। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ किचन में और अभी मैं मूली का पराठा बना के दिखा रही हूँ आपको। लेट्स स्टार्ट। हमें इस तरीके से छोटे छोटे रोई बनानी है और ये जो है ना, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा अमचूर, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला, बस नमक नहीं डाला है क्योंकि नमक मूली में पहले ही डाल दिया था। अब इनको बेल लेंगे इस तरीके से। ये इसी तरह से दोनों को बेलना है। ऐसे भरेंगे इसको, उस पर जोड़ देंगे पूरा अच्छे से। और फिर बेल, और अब बेल चुका है, इसे मैं डाल रही हूँ तवे पर। एक देखिए यहाँ पर है, तब तक मैं बना लेती हूँ दूसरा पराठा जब तक ये बन रहा है। सो अभी जो है पराठा हो चुका है, मैं इस पर लगा रही हूँ ये, पराठा सिक चुका है गाइस, और मैं डाल दूंगी दूसरे वाला पराठा। और ये देखिए बिल्कुल अच्छा पराठा बना है। सो बस इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना लेती हूँ।
सो गाइस मैं आपको एक दूसरे तरीके का पराठा बना के दिखा दूँ। देखिए ये मैंने बेल लिया था और इसमें स्टफिंग भर लिया और इसी भरी में साथ के साथ काट दूँ और फिर इसको मैं ऐसे बंद कर दूँ। आप चाहे तो वैसे बना लीजिए डबल डबल बना के और चाहे तो ऐसे बना लीजिए, मर्जी आप ही की है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम इसे प्रेस करेंगे और फिर हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। याद रखिएगा आपको हल्के हाथों से बेलना है। तो ये देखिए ये बिल करके तैयार हो गया। ये इस तरीके का होता है। सो इसी टाइप का मैंने दूसरा डाल रखा है वो सिक जाए बस। तो बस इसी तरीके से पराठे बना लूँगी और मेरे तरीके से एक बार आप भी ट्राई करिएगा। वैसे मैं ज़्यादातर डबल साइड वाले ही बनाती हूँ, सिंगल वाले बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि ये ना फट भी जाते हैं फिर, इसलिए वो फटते नहीं हैं, वो आसान होते हैं। तो ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कैसे लगे आपको मूली के पराठे। चले गए बना लेती हूँ। सो गाइस शाम का टाइम हो रहा है, अभी 4 बज चुके हैं और मैं जो है अब बनाऊँगी मूली की भुर्जी। कट करके तो मैंने रखी थी, मैं आपको उस दिन दिखा रहा, मैंने काट दिए थे पत्ते। तो अभी उनके साथ एक दो मूली और क्या कहते हैं आलू रखती हूँ उबलने के लिए, फिर भुर्जी बनाएंगे आज। बहुत टेस्टी लगती है सच में। हाँ लड्डू गया बाहर किसी काम से, तो एक्चुअली वीडियो ऑफ करनी पड़ी, लड्डू का फ़ोन आ गया था। तो रख लेती हूँ मूली की भुर्जी और फिर जाऊँगी घूमने के लिए। अभी सर्दी बढ़ती जा रही है ना, तो घूमने का टाइम थोड़ा धीरे करके घटता जा रहा है मेरा। जल्दी जल्दी जाती हूँ फिर जल्दी आ जाती हूँ। तो अभी एक वीडियो की एडिटिंग करूँगी, पहले भुर्जी रख दूँगी उबलने के लिए, फिर वीडियो की एडिटिंग करूँगी, उसके बाद जाऊँगी घूमने के लिए, फिर आके खाना वाना देखेंगे। सो चलिए गाइज आज की वीडियो का तो यहीं पर करती हूँ एंड। और मूली के पराठे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी बताइएगा अगर आप किसी और तरीके से बताते हैं तो अपना तरीका भी शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के तरीके से भी ट्राई करूँगी एंड कल को मुलाकात होगी आपसे फिर से। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए हमें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय, टेक केयर।